नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ BEO एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 1। ओके, तो लगातार आपको मैं डेली प्रोवाइड करूँगा मॉडल पेपर, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो प्रत्येक वीडियो को आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हों या बाहर, क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय आय। अगला है, निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी? ऑप्शन डी मिरर, मतलब कांच में जो होती है प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अगले, विश्व विरासत स्थल में शामिल कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी सिक्किम। अगला है, किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इससे संभव है कि, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है ऑप्शन डी रतौंधी। अगला है, ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगला है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है, तो मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। अगला है, बादलों की गरज सुनाई देने के पहले ही बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ती है? ऑप्शन ए प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है इसीलिए। अगला है, अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? ऑप्शन सी पोखरण में। अगला है, दिन रात किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन बी वर्ष 2008 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। अगला है, विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला है, किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? ऑप्शन ए कुत्ता। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पहिए का जो उपयोग है किसके लिए किया गया माना जाता है? तो ऑप्शन बी बर्तन बनाने में। अगला है, जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? ऑप्शन डी तीर्थंकर। अगला है, कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध निम्न में से किस वायसराय से है? ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस। अगला है, किसने धर्म को अफीम कहा है? ऑप्शन सी मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? ऑप्शन सी यूनियन ऑफ
स्टेट्स है। अगला है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 25 वर्ष। अगला है, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी राज्यपाल की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। अगला है, निम्न में से किसने धन के निकास को अनिष्टों की संज्ञा दी और धन निष्कासन को ऋण कुचक्र कहा? तो ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। अगला है, किसी देश में सारे भुगतान लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह उस देश की क्या कहलाती है? ऑप्शन बी प्रधान मुद्रा कहलाती है। अगला है, आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला खान के लिए आसनसोल प्रसिद्ध है। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची एक है और सूची टू। सूची एक में 1857 के विद्रोह के संबंध में मत हैं और सूची टू में मतदाता हैं। ओके, मिलान करना है तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए ये वाला। तो करते हैं, देखिए ए वाला है पूर्णतया सिपाही विद्रोह, इसका संबंध हो जाएगा पहले वाले से, सर जॉन लॉरेंस। और बी वाला जो है राष्ट्रीय विद्रोह, उसका हो जाएगा दूसरा वाला, डिजराइली। और सी वाला जो है ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध, इसका हो जाएगा एल आर रीस और ऑप्शन डी। और ये वाला जो है सामंतवादी प्रतिक्रिया, इसका हो जाएगा मिस्टर के। अगला है, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो एस्किमो का मुख्य व्यवसाय है ऑप्शन सी शिकार करना। अगला है, इग्लू किसके मकान को कहा जाता है? ऑप्शन ए एस्किमो। अगला है, केवला देव घाना पक्षी बिहार स्थित है? ऑप्शन सी राजस्थान। अगला है, जल का अधिक बल्क बाष्पीकरण किससे होता है? ऑप्शन ए महासागर। अगला है, भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम। अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला है, भारत में प्रथम रेल बंबई एवं ठाणे के बीच कब चलाई गई? तो ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1853। अगला, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑप्शन ए जापानी। अब देखिए सुमेलित करना है, सूची एक में विद्रोह का नाम है, सूची टू में प्रभावित। ओके, तो कैसे करेंगे इसका आंसर आपका होगा, मैं मिलान करके बताता हूँ। देखिए जो पहला है चुआर विद्रोह, इसका हो जाएगा तीसरा वाला, नागभूम एवं वीरभूम। और जो बी वाला है कोल विद्रोह, का संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से, छोटा नागपुर। और जो सी वाला है कोया विद्रोह, इसका संबंध हो जाएगा पहले वाले से, रंपा क्षेत्र। और खोण विद्रोह का संबंध हो जाएगा चौथे वाले से, उड़ीसा। अगला है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी ऑप्शन सी अर्जुन देव। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, हेग किस देश में है? तो ऑप्शन बी नीदरलैंड्स। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? ऑप्शन ए सितंबर। अगला है,
कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। अगला है ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो ऑप्शन बी नारंगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन डी देविका रानी। और अगला है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए ग्वालियर। अगला है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन सी तारापुर। अब देखिए सुमेलित करना है, सूची एक में सभा है और सूची टू में वर्ष है। ओके, अब हमें कूट द्वारा बताना है, तो ऑप्शन डी ये वाला हो जाएगा। ओके, तो मतलब ए वाला जो है उत्तर प्रदेश किसान सभा का संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से 1918, और अवध किसान सभा का संबंध हो जाएगा पहले वाले से 1920, और अखिल भारतीय किसान सभा का संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से 1936। अगला है भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन डी जैसलमेर। अगला है मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है? ऑप्शन बी सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर अपसाक का विस्तार करना। और लास्ट है आज के सेशन का हमारा क्वेश्चंस, आपको बता देता हूँ कि काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? ऑप्शन बी पाकिस्तान चीन। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।